हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबका अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 8 के पुस्तक का तीसरा वर्तमान अध्याय 5 शिल्प एवं उद्योग। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु यह शिल्प एवं उद्योग के क्षेत्र में भी विश्व में अग्रणी रहा है। भारत में शिल्प एवं उद्योग अंग्रेजी शासन से पहले काफ़ी विकसित अवस्था में था। यहाँ का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मुगलों के शासनकाल में यहाँ से एशिया और यूरोप के देशों में वस्त्र निर्यात किया जाता था। विशेषकर ढाके की मलमल, बंगाल एवं लखनऊ की छीट, अहमदाबाद की धोतियाँ एवं दुपट्टे, नागपुर तथा मुर्शिदाबाद के रेशमी किनारे वाले कपड़े एवं कुछ अन्य सूती वस्त्र का निर्यात बड़ी मात्रा में होता था। इसके बदले सोने एवं चांदी का आयात होता था। उपभोग की बहुत ही कम वस्तुएँ आयात की जाती थी, जैसे ऊनी कपड़ा, तांबा, लोहा और कागज। एशिया के देशों में चीन से चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन, इंडोनेशिया से मसाले तथा इत्र एवं अरब से कहवा, खजूर और शहद आदि का आयात किया जाता था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय शिल्प एवं उद्योग की स्थिति खराब होने लगी। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद राजनीतिक अस्थिरता और विदेशी आक्रमणों तथा यूरोपीय व्यापारियों के आगमन ने भारतीय व्यापारियों को नुकसान पहुँचाया। कई क्षेत्रीय शासकों ने अपने राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले व्यापारियों पर अधिक कर लगा दिया, जिससे व्यापार में गिरावट आने लगी। इसका उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ा। फिर भी भारतीय बुनकरों एवं दस्तकारों की दक्षता का कोई जोड़ नहीं था। उस समय कपड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र थे बंगाल में ढाका, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और भड़ौच, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बनारस, जौनपुर और आगरा, कर्नाटक में बेंगलोर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर एवं मदुरई तथा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम। कश्मीर ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। इन उद्योग की उन्नति के कारण सभी औद्योगिक केंद्र नगर बन गए। भारत की शिल्पकला एवं औद्योगिक समृद्धि को देखकर यूरोप की कई व्यापारी कंपनियां व्यापार के लिए आने लगी। सबसे पहले पुर्तगालियों ने कालीकट में अपनी कोठियां स्थापित की। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुमूल्य वस्तुएं लाती थी और उसके बदले कपड़े, मसाले आदि भारत से ले जाकर विदेशों में बेचती थी। इस तरह 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक यूरोप भारत में तैयार वस्तुओं का खरीदार था। परंतु भारत के आर्थिक समृद्धि का प्रधान कारण सूती कपड़ा का हथकरघा उद्योग था। यहाँ ध्यान रखेंगे कि 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का व्यापार सर्वप्रथम कालीकट से शुरू हुआ, इसलिए उन्होंने सूती कपड़ों को कैलिको नाम दिया। इसी तरह बारीक सूती कपड़ों को यूरोप के लोगों ने सर्वप्रथम अरब व्यापारियों के पास इराक के मोसल नामक शहर में देखा था, जिसकी वजह से बारीक बुनाई वाले सभी सूती कपड़ों को उन्होंने मसलिन नाम दिया। इस संदर्भ में भारतीय कारीगरों के कौशल का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 20 गज लंबे और 1 गज चौड़े बढ़िया मलमल के टुकड़े को एक अंगूठी में से निकाला जा सकता था और इसे बनाने में 6 महीना समय लगता था। यूरोप का शिल्प उद्योग भारतीय शिल्प उद्योग के साथ प्रतियोगिता करने में सफल नहीं हो पा रहा था। अतः अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड ने सन 1720 ईस्वी में कैलिको अधिनियम बनाया। इसके अनुसार इंग्लैंड में भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई और उनके आयात को इंग्लैंड में रोक दिया गया। इसी समय वहां तकनीकी विकास की आवश्यकता महसूस की गई। वैज्ञानिकों द्वारा किए गए आविष्कारों ने उद्योग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी, जिसके विषय में आप पहले ही अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं। इस क्रांति के कारण अधिक उत्पादन सभी क्षेत्रों में संभव हो सका। अब ज़्यादा कपड़ा बहुत कम कीमत पर इंग्लैंड में तैयार होने लगा। मैनचेस्टर एवं लंकाशायर वस्त्र उद्योग के बड़े केंद्र बन गए। इसके बावजूद भी भारतीय कपड़ों की मांग यूरोप के बाजार में बहुत अधिक थी। 19वीं शताब्दी में सूरत एवं अहमदाबाद में पटोला बुनाई वाले कपड़े तैयार किए जाते थे, जिसके विदेशों में निर्यात होता था। इसी तरह बारीक मलमल पर जामदानी बुनाई की जाती थी, जिस पर करघे से सजावटी डिजाइनें बनाई जाती थी। आमतौर पर इसमें सूती और सोने के धागे का इस्तेमाल किया जाता था। ढाका तथा लखनऊ इस तरह के बुनाई के केंद्र थे। इन कपड़ों को यूरोप में बड़े बड़े घर के लोग तथा रजवाड़े परिवार के लोग द्वारा बहुत अधिक पसंद किया जाता था, इसलिए महंगे होने के बावजूद भी इनकी मांगें विदेशों में अधिक थी। भारतीय उत्पाद की बढ़ती हुई मांगों को देखकर सन 1813 ईस्वी के में इंग्लैंड की सरकार द्वारा मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। अभी तक सिर्फ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार था। मुक्त व्यापार की नीति ने सभी अंग्रेजी उद्योगपतियों के लिए भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी। इस नीति का सबसे
पहला प्रहार भारत के वस्त्र उद्योग पर हुआ। अब इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग को विकसित करने के लिए भारतीय निर्माताओं के साथ आयात निर्यात करने में भेदभाव का सिलसिला शुरू किया गया। अंग्रेजी सरकार का यह उद्देश्य था कि ऐसे कानून बनाए जाए जिनके सहारे भारत से कच्चे माल का आसानी से निर्यात किया जा सके और तैयार माल को भारत में बेचा जा सके। मशीनों की वजह से अधिक उत्पादन होने लगा। अब वे इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि भारत में भी बाजार खोजने लगे ताकि उनके उत्पादित कपड़ों की खपत हो सके। अतः इंग्लैंड के व्यापारी अब इंग्लैंड का कपड़ा लेकर भारत में बेचने आने लगे। इस समय तक इंग्लैंड का उद्योग काफ़ी उन्नति कर चुका था जिससे भारत में भी सस्ते दाम के कारण मशीनों द्वारा बने हुए कपड़े बिकने लगे। मुक्त व्यापार की नीति एक तरफ का नीति थी। भारत से जो सामान इंग्लैंड जाता था उस पर वहाँ आयात कर लगता था, लेकिन जो सामान भारत में आता था उस पर कोई कर नहीं लगता था। यहाँ ध्यान रखेंगे कि मुक्त व्यापार की नीति, इस नीति के द्वारा भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। अब इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति भारत के साथ स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता था। इसलिए भारत में इंग्लैंड के सामान सस्ते दामों पर उपलब्ध होने लगे। परिणाम स्वरूप भारतीय बुनकरों एवं सूत कातने वालों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। यद्यपि 19वीं शताब्दी में भारत द्वारा इंग्लैंड को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में वृद्धि हुई, लेकिन यह वृद्धि सिर्फ कच्चे माल के रूप में हुई। भारत को अब मजबूर किया जाने लगा कि वह उन चीज़ों का निर्यात करे जिनकी अंग्रेजी उद्योग को आवश्यकता थी, जैसे कि अंग्रेज कपास, नील, अफीम, जूट आदि जैसे कच्चे माल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने लगे। वे किसानों से मनमाने दाम पर माल खरीदते थे और उन्हें अनाज की जगह नकदी फसल उपजाने को बाध्य करते थे। इंग्लैंड में खाद्यान्न की भी कमी थी, अतः भारत से अनाज का भी निर्यात किया जाता था। यहाँ तक कि भारत में अकाल के समय भी अनाज का निर्यात किया जाता था। दूसरी तरफ कच्चा माल के लिए अधिक भूमि का उपयोग किया जाने से भी देश में खाद्यान्न की कमी होने लगी। अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था कि किसी तरह उनके उद्योग को समाप्त करके अपना उद्योग विकसित किया जाए। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से भारतीय शिल्प एवं उद्योग का धीरे धीरे पतन होने लगा। रेलवे के विकास ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंग्लैंड की वस्तुओं को पहुंचाना शुरू किया। अब हस्तशिल्प की वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई और मशीन निर्मित चीज़ें बाजार में सस्ती मिलने लगी। अंग्रेजी शासन से पहले कृषि, हस्तशिल्प एवं कुटीर उद्योग का बहुत बढ़िया संतुलन था, लेकिन कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प के विनाश ने इस संतुलन को नष्ट कर दिया। शिल्प एवं उद्योग में लगे हुए कारीगर अब शहर छोड़कर गाँव में लौटने लगे और खेती करने को बाध्य हो गए। इस तरह इंग्लैंड में मशीनों के आविष्कार एवं अंग्रेजों की भारत के प्रति व्यापारिक नीतियों ने भारत में निह औद्योगिकरण, जिसे कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कहते हैं, की स्थिति पैदा कर दी। कृषि पर दबाव बहुत बढ़ गया जिससे भारत में बेरोजगारी और गरीबी की समस्या उत्पन्न हो गई। यहां ध्यान रखें कि निह औद्योगिकरण का अर्थ होता है जब देश के लोग शिल्प एवं उद्योग को छोड़कर खेती को अपनी जीविका का आधार बना ले। इंग्लैंड में जहां हथकरघा उद्योग के विनाश का स्थान नए मशीन उद्योग ने ले लिया, वहां भारत के दस्तकारों एवं बुनकरों के विनाश का स्थान किसी अन्य उद्योग ने नहीं लिया। इसका प्रमुख कारण था भारत में पूंजी की कमी, तकनीकी शिक्षा का अभाव, वैसे भारतीयों की कमी जो औद्योगिक विकास की भावना रखते हों, तथा अंग्रेजों की मुक्त व्यापार की नीति। इसके बावजूद भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ भारतीय मशीन उद्योगों की स्थापना की तरफ आकर्षित हुए। सबसे पहले उन्होंने वस्त्र उद्योग की स्थापना की क्योंकि इसके कारखाने को खोलने के लिए कम पूंजी की आवश्यकता थी। उसके बाद जूट एवं कोयला खान उद्योग की भी स्थापना की गई। सन 1854 ईस्वी में बम्बई में पहला सूत वस्त्र कारखाना कावसजी नानाजी दाभार नामक एक पारसी व्यापारी ने स्थापित किया। सन 1880 ईस्वी तक पूरे भारत में 56 सूती कपड़ा मिल स्थापित हो चुके थे। इन कारखानों के लिए मशीनें विदेशों से लाई जाती थी। भारत में कपड़ा उद्योग की प्रगति ने विदेशों को चिंता में डाल दिया। फिर भी भारतीय उद्योगपतियों के सामने समस्या यह थी कि यदि किसी तरह अंग्रेजी सरकार भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य करती तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि की जा सकती थी। अतः उन्होंने मांग की कि इंग्लैंड से आ रहे कपड़ों पर सरकार विशेष कर लगाए ताकि वे भारत में यहाँ के बने हुए कपड़ों से महंगा बिके। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी नीति नहीं अपनाई जिससे भारत का औद्योगिक विकास धीमा रहा। सन 1855 ईस्वी में बंगाल के रिसरा में पहला जूट मिल स्थापित की गई। इसी तरह सन 1906 ईस्वी में कोयला खान उद्योग की शुरुआत भी की गई। 20वीं शताब्दी में स्थापित महत्वपूर्ण उद्योग लौह उद्योग था।
सन 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा तत्कालीन बिहार, जो कि अब झारखंड है, के साक्ची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई। यही स्थान आज जमशेदपुर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ स्टील का उत्पादन होने लगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध एवं 20वीं शताब्दी के शुरुआत में भारत में कागज, चीनी, आटा आदि की मिलें भी खोली गई। यहाँ नमक, अबरक और सोने जैसे खनिज उद्योग की भी स्थापना हुई। मशीनों पर आधारित उद्योगों के अलावे नील, चाय और कॉफी जैसे बागान उद्योग का भी विकास हुआ। इन उद्योगों में विदेशी पूंजी का ही निवेश ज़्यादा था। अंग्रेज मुनाफा कमाने के लिए भारतीय उद्योगों को अपनी पूंजी लगाकर प्रोत्साहन देना शुरू किए, ताकि उन उद्योगों पर उनका वर्चस्व बना रहे। अंग्रेजों ने बैंकों पर भी अपना प्रभाव जमा रखा था, जहां से उन्हें आसानी से कम ब्याज पर कर्ज मिल जाता था, जबकि भारतीयों को इसके लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी और उन्हें ऊंचे दर पर ब्याज देना पड़ता था। इस तरह भारत में औद्योगिक विकास का यह क्रम धीमी गति से 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक यूं ही चलता रहा, लेकिन उसका तेजी से विकास सन 1914 ईस्वी के बाद ही हो सका। 1945 ईस्वी तक इंग्लैंड को दो विश्व युद्ध एवं कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस अवधि में इंग्लैंड का पूरा ध्यान युद्ध सामग्री तथा अस्त्र के निर्माण में लगा रहा था। मालवाहक जहाज़ों को युद्ध सामग्री ढोने के काम में लगा दिया गया। परिणाम तो इंग्लैंड से भारत में आने वाले सामानों में कमी होने लगी, जिससे भारत में उत्पादित वस्तुओं की बिक्री बढ़ गई और उत्पादन पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। इससे भारतीय उद्योगपतियों का लाभ बहुत बढ़ गया। अब सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड तथा यूरोप के अन्य देशों में भारत में निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ गई, जिसकी वजह से उसकी कीमत में 5 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई। इन दो विश्व युद्धों के बीच भारतीय उद्योगों को काफ़ी बढ़ावा मिला, विशेषकर कपड़ा उद्योग काफ़ी विकसित हुआ। इस तरह भारत में औद्योगिक विकास का एक नया दौर शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप समाज में दो नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ, औद्योगिक पूंजीपति वर्ग और आधुनिक मजदूर वर्ग। औद्योगिक पूंजीपति वर्ग में वे थे जो भारतीय उद्योग में अपना पूंजी निवेश करते थे। सन 1920 के बाद विदेशी पूंजी निवेश में कमी होने लगी। इस काल में हो रहे औद्योगिक विकास ने भारतीयों को पूंजी निवेश के लिए प्रेरित किया और यहाँ के पूंजीपतियों ने विदेशी कंपनियों से सूती कपड़ा एवं इस्पात उद्योग के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को खरीदकर भारत का औद्योगिक विकास किया। सन 1920 ईस्वी के दशक से ही जीडी बिरला भारतीय उद्योगपति का एक संघ बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य से सन 1927 ईस्वी में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे कि फिक्की भी कहते हैं, की स्थापना की गई। यह पूरे भारत में व्यापारिक हितों के लिए काम करने वाली व्यापारिक संस्था बन गई। तो आइए अब देखते हैं शिल्प एवं उद्योग तथा मजदूरों का जीवन। सन 1850 ईस्वी के बाद से भारत में मशीनों वाले उद्योग खोले जाने लगे थे। सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा बनाने और सूत काटने का उद्योग था, जिसमें सबसे ज़्यादा मजदूर काम करते थे। दूसरा था जूट उद्योग और तीसरा था कोयला उद्योग। भारत में सूती कपड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र बम्बई था। जूट और चाय उद्योग का मुख्य केंद्र बंगाल था। यहाँ श्रमिकों की संख्या भारत में सबसे अधिक थी। उनके रहने और कार्य करने की परिस्थितियाँ बहुत शोचनीय थी। वे एक दिन में 15 से 16 घंटे से लेकर 18 घंटे तक काम करते थे। अवकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। उनके रहने की जगह भी अच्छी नहीं होती थी। वे कारखानों के बगल में ही स्थित छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, जहाँ सफाई एवं पानी की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मजदूरों को समय पर वेतन का भी भुगतान नहीं होता था। अगर मशीन खराब हो जाए या माल कम तैयार हो, तो इसमें मजदूरों की कोई गलती नहीं होती थी। फिर भी मालिक उनके वेतन से कटौती कर लेता था। इतना ही नहीं, यदि मजदूर की तबीयत खराब हो जाती थी तो उसकी चिकित्सा की व्यवस्था करना तो दूर, उस दिन का काम नहीं आने के कारण उसके वेतन में कटौती कर ली जाती थी। कोयला खदानों के मजदूरों की दशा तो और भी दयनीय थी। झरिया और गिरिडीह के कोयला खानों के श्रमिकों के काम के घंटे प्रातः 6 बजे से शाम 6 बजे तक थे। स्त्रियां एवं बच्चे भी भूमिगत खानों में काम करते थे। वहां प्रायः दुर्घटनाएं हुआ करती थी। यद्यपि सन 1923 ईस्वी के बाद सरकार ने दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कर दी थी, लेकिन मुआवजे की राशि लेने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी। इतना ही नहीं, स्त्री पुरुष एवं बच्चों की गर्मी से 14 घंटे एवं जाड़ा में 12 घंटों तक काम करना पड़ता था। एक तरफ काम का बोझ होता था, दूसरी तरफ रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं होती थी। ऐसी परिस्थितियों में मजदूरों के पास संगठन बनाने एवं अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखने के अलावा कोई उपाय नहीं था, लेकिन इससे उसकी नौकरी चले जाने का भय था। सन 1880 में बिजली के बल्ब के लग जाने के
से काम के घंटे में और वृद्धि होने लगी। अतः मजदूरों ने अब उद्योगपतियों के खिलाफ जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उनकी प्रमुख प्रारंभिक मांगे थी काम के घंटों में कमी, साप्ताहिक अवकाश और कारखानों में काम के दौरान घायल हुए श्रमिकों को मुआवजा। भारतीय उद्योगपतियों को उनकी मांगे उचित नहीं लगी, क्योंकि काम के घंटे कम होने से उत्पादन में कमी हो जाती, मालिकों का खर्च बढ़ जाता और कारखानों में बनी वस्तुओं का दाम बढ़ जाता। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड की बनी वस्तुएं सस्ती और भारत में बनी वस्तुएं महंगी हो जाती और भारतीय उद्योग का विकास धीमा पड़ जाता। उस समय इंग्लैंड के उद्योगपतियों ने भारतीय मजदूरों का साथ दिया। अतः अंग्रेजी सरकार ने सन 1881 ईस्वी में उसके बाद के समय मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कई नियम बनाए, जिनसे स्त्री पुरुष एवं बाल मजदूरों के काम करने के घंटे तथा उनकी दैनिक मजदूरी तय की गई। फिर भी अभी मजदूरों की स्थिति दयनीय ही बनी रही। आवश्यक सुविधा प्राप्त करने के लिए मजदूरों ने हड़ताल करना आरंभ कर दिया। सन 1920 ईस्वी तक देशभर में कई हड़तालें हुई। इससे पूरे देश के मजदूरों में एकता की भावना भी आई, जिससे प्रेरित होकर सन 1920 ईस्वी में ही मजदूरों ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एटक नामक संगठन बनाया, जो मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाली संस्था बनी। आगे चलकर यही मजदूर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाने में सहायक रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने उनके लिए न्यूनतम मजदूरी कानून बनाकर मजदूरी दरों की निश्चित किया तथा उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयत्नशील रही। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार भारत के शिल्प उद्योगों के विकास के लिए भी सतत प्रयत्नशील रही। एक औद्योगिक नीति बनाई गई, जिसके द्वारा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित देने के लिए कारगर कदम उठाए गए। तो आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। दूसरा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 1927 ईस्वी में हुई। जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र बंगाल था। चौथा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। पांचवा, निम्नलिखित के जोड़े बनाए। जूट उद्योग का संबंध बंगाल से है। ऊनी वस्त्र उद्योग का संबंध कश्मीर से है। जमदानी बुनाई का संबंध लखनऊ से है। लौह उद्योग का संबंध जमशेदपुर से है और नील बगान उद्योग का संबंध चंपारण से है। छठा, सबसे पहले पुर्तगालियों ने कालीकट में अपनी कोठियां स्थापित किया। सातवां, 1854 ईस्वी में बंबई में पहला सूती वस्त्र कारखाना एक पारसी व्यापारी ने स्थापित किया। आठवां, 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर के साक्ची में प्रथम लौह उद्योग स्थापित किया। तो आप सबको हमारे प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।